नमस्तु 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 नमस्तेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की शांति रखो कोई नहीं बोलेगा शांति सुनो जंगल है चारों ओर देखते हैं अनगिनत पेड़ हैं किंतु मौसम के अनुसार ऋतुमान के अनुसार वहां पर जंगल सारा का सारा सूखा हुआ है न पत्ते हैं न कोंपने हैं न फल हैं और न ही कोई पक्षियों का कलरव है कोई भी ध्वनि नहीं शांत है वहां पर कोई आवागमन नहीं क्योंकि ग्रीष्म का काल है किंतु एक व्यक्ति ने देखा ये क्या चमत्कार है सारा सारा जंगल सूखा हुआ है पत्ते नीचे गिर गए हैं सूखे हैं हवा के झोंका से उड़ जाते हैं अन्यत्र जाकर के गिर जाते हैं ये सब हो रहा है किंतु दूर से देखा वहां पर उसे पानी का अनुमान हुआ प्यास तो कम से कम बुझा दे पेड़ की छाव मिल जाता है लेकिन वो भी नहीं है गया वहां पर देखा ढूंढा कोई भी कुआं भी नहीं यदि एक था कुआं तो वह भी सूखा हुआ है पानी का स्रोत कहाँ रहता है प्राय करके लोग पानी कहने से ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं आजू बाजू कोई नहीं देखता वहां पर एक हरा भरा पेड़ दिखा ये क्या आश्चर्य है जा करके देखा उसमें एक अचार में बंद एक ग्रंथ मिला है फिर क्या कहना वो क्या है वो ग्रंथ है उसको खोल करके देखा ताड़पत्री ग्रंथ है आज शास्त्र की क्या दशा हो रही है शास्त्र दान कहते हैं उपकरण दान कहते हैं कोई दीक्षित होता है तो उसके लिए ये उपकरण ले लो पीछे दी जाती है कमंडलू दिया जाता है और शास्त्र भी दिया जाता है ये तुम्हारे लिए उपकरण का काम करेगा आगे ये कथा आपको ज्ञात है कैसे कैसे कौन से परिणामों से परिवर्तन होकर के कौन कहाँ से आ रहा है इसका इतिहास भी मिल जाता है उसको एक अच्छे वस्त्र में लपेटा हुआ था आज की मनोदशा को हम देखते हैं 25वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था उस समय
शास्त्र का क्या होना चाहिए रूप इस समय, इसमें दो मत हो गए। एक तो प्रकाशन करने के पक्ष में और एक कहता नहीं, कत ही हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम शुद्ध नहीं। छापते हैं वहां पर जाकर के, देख लो क्या दशा हो रही। इतनी छाप छाप करके आप करते हो, जो अचार बंद है उसका वस्त्र कहाँ, क्या के क्या किन 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 वस्तुओं से बन रहा वस्त्र, ये आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ देखो हमारा वस्त्र कितना बढ़िया शुद्ध है, नहीं समझे शुद्ध है, सफेद होने मात्र से शुद्ध नहीं होता, किंतु उसके लिए कौन से वस्त्र में लपेटे आप, ये भी तो देखो। पहले शास्त्र प्रवचन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उठाया जाता था, सावधान बोलते हैं, हम इस सावधान शब्द को आज नहीं सुन पा रहे हैं। मन में समाधान आहो तो कैसे आहो बताओ, मन में समाधान नहीं है, इसलिए नहीं है, इन वस्त्रों को निर्माण करने के लिए एक बार जा करके देख लो क्या क्या उसमें किस किस चीज का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी शास्त्र की दशा हो गई है, जहाँ रख रहे हैं स्थान कौन सा है पता नहीं, छाप रहे हैं कौन पता नहीं। कई बार इस विषय को हमने समाज के सामने रखने का भी सोचा है। यहाँ पर भी जो है शास्त्रदान बिल्कुल दान देना चाहिए, उपकरण है, लेकिन उपकरण के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। मूढ़ाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, जिस किसी को आप शास्त्र नहीं दो, जहाँ कहीं भी आप मत रखो, उसके योग्य साधन सामग्री क्या है उसके बारे में सोच विचार करो। प्रतिष्ठित हो जाते हैं बिंब, उनके साथ व्यवहार जैसा किया जाता है वैसा आज जिनवानी के प्रति होता हो तो हमें बता देना, यदि नहीं होता है तो आपका विवेक ठिकाने पर नहीं है, शुद्ध होता। यदि आपको इसके बारे में गहराई लेना है तो कहते हैं उस प्रकार के पत्रों में रखते थे, वो भोज पत्र भी होता है और ताड़ पत्र भी होता है, पहले कागज में ये नहीं रखे जाते थे, और बड़े बड़े सेठ साहूकार के माध्यम से एक 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 प्रति का लेखन करने करके और उसको रखा जाता था। धवला का इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा किस स्थिति में वहाँ से दक्षिण से यात्रा करते हुए यहाँ पर आया, विद्वान है इसका अवलोकन कर सके। टोडरमल जी के जमाने में वो वहाँ से नहीं आए थे यहाँ पर, केवल घूमटसार ही कर्म सिद्धांत का प्रेरण करने वाला ग्रंथ था। बाद में ये मालूम पड़ा कि ये धवला जय धवला महाबंध आदि आदि ग्रंथ भी है। उसका जब प्रकाशन होने की बात हो गए, कई लोगों ने कहा मना किया, आज से किसी का कार्य हुआ नहीं और ये अशुद्धि के साथ करना ठीक नहीं है। एक मत के अनुसार दूसरा कहता है इसको फिर देखेंगे कब, ये तो शास्त्र दान तो उपकरण दान तो गुरु जी जब दीक्षा देते हैं उस समय का है, बोले श्रावकों को तो केवल सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जब चामुंडराय राजा थे सेनापति उनके लिए बंद कर दिया और दो
दूसरा विषय तो पूछा चामुंडा ने कि ये क्या है, ये आप लोगों के लिए नहीं किंतु हम इसी के विषय को प्रकारांतर से आपके सामने रखते हैं। और उस समय उन स्वाध्याय के प्रति रुचि रखने वाले राजा महाराजा सेनापति उनके लिए उन्होंने कहा ये है गोमटसार कर्मकांड के ऊपर धवलापन महाबंध के ऊपर ये लिखा, जीवस्थान के ऊपर जीवकांड का निर्माण किया, त्रिलोय पंडित के स्थान पर त्रिलोकसार की रचना कर दी और लब्धिसार क्षपनासार ये कर्म सिद्धांत के जो कषाय पाउंड ग्रंथ हैं उनके ऊपर इनको ये आप पढ़ो। अब आज वो भी पढ़ने की बात नहीं है, द्रव्य संग्रह उसके ऊपर इन सब के ऊपर एक लिख दिया गया, संतोष हो गया। लेकिन व्यवहार तो जिनवाणी के प्रति तो होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो क्या करें हम, तो हाँ योग्य रखो। जब तक आप उस वस्तु को जो बहुत मौलिक और सिरोधार्य मान रहे हो तो उसके प्रति आज की वस्तु रखने योग्य है क्या नहीं इसके बारे में सोचो। प्रत्येक वस्त्र केमिकल और मटन टेलों के माध्यम से बन रहे हैं, आप ही सोचो क्या हो रहा है। भगवान श्री जी प्रतिष्ठित होते हैं, हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, स्नान आदि से निवृत्त ना हो। तो ऐसे वस्त्रों को पहनना तो दूर रहा और आज हमने देखा रहा नहीं गया और कहा केवल दान देने का अर्थ ये नहीं, दाता को किसको मैं दे रहा हूँ ये भी सोचना पड़ेगा, ये नहीं हो रहा है तो हम इसको शास्त्र दान कैसे कहेंगे बताओ, नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसके प्रति बहुमान रखिए, सिर पर रखिए और अच्छे वस्तुओं से उनके आचार आदि का निर्माण करिए। आज यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कहें कि आपकी उसके प्रति भक्ति है, स्तुति के योग्य है, श्रवण करने के योग्य है, कैसे कहेंगे। हम तो इतना कह सकते हैं, आपके लिए कटु शब्द लग सकते हैं लेकिन आपका पेट बिगड़ गया है तो कड़ी औषधि ही दी जाएगी, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने बड़े साहस के साथ सुना, कम से कम जहाँ कहीं से आए वहाँ पर भी कह देना कि अच्छे वस्त्रों में तो कम से कम बहुमान के साथ इनको, हाँ वो इसी के लिए कई व्यक्तियों ने परिश्रम करके हाथ से बना करके और शुद्ध वस्त्रों के निर्माण कर रहे हैं। श्री जी को छुओ तो उस वस्त्र से उनको प्रक्षालन नहीं करो जो कि बाजार से आया है। हम रेशम से तो परहेज रख सकते हैं तो आज साक्षात वह संगी पंचेंद्री का जो मटन फेलो तो उसको क्या कर रहे हो आप, उसके प्रति घृणा है, चर्बी है वो, फिर क्या। इसीलिए कम से कम आस्था के विषय को आस्था की दृष्टि से ही देखना चाहिए और श्री जी के ऊपर जो प्रक्षाल होता है तो उसके लिए भी ऐसे ही वस्त्रों का आप उपयोग करो, जनवाणी के लिए भी ऐसे ही करो और उसके छापने की प्रक्रिया को भी जाकर के देख करके आओ। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और खूब वहाँ मैं उदाहरण दे रहा था, मैं मूलाचार में कहा
जिस किसी को जिनवाणी को श्रवण नहीं कराओ, जबरदस्ती आज शास्त्रों का व्यवहार कैसा हो रहा है आप देख लीजिए। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। विवेकशील कोई व्यक्ति है इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। यहाँ तक कि स्वाध्याय होते थे, ये वर्ष ये इसमें आचार्य में जो छात्र रखे हैं उनके ऊपर नहीं करते थे वो। आज भी हमें याद है चार पांच अजमेर में गादी बैठ करके करता था, लेकिन वहाँ इन वस्तुओं से नहीं, अलग ही रखते थे और सावधान उसको छूटे नहीं थे। जिस किसी को मान लो शोर सूतक लग गया वो स्वाध्याय वहाँ पर सुन सकता है कर नहीं सकता, ऐसा होता था। किंतु आज ऐसा नहीं, पानी भी कैसा लाना कैसा लाना, आज वहाँ बरसाती पानी का तो उपयोग कर सकते हैं लेकिन नल के द्वारा जो किए हुए पानी है वो भगवान के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं आप बताओ तो, नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भगवान की मात्रा भी न बढ़ाओ जिसके द्वारा प्रक्षालन पूजन ही न कर सके हम। हाँ, इसलिए दोनों दिशा में आज बहुत असावधानी हो रही है, अविवेक पूर्ण कार्य हो रही है, वो ठीक नहीं है। ऐसा यदि आप लोग संकल्प ले लेंगे तो ये अवश्य ही एक महीने के भीतर हम इसी प्रकार के वस्त्र का और पानी का इत्यादि का निर्वाह करेंगे। हो सकता आज सबसे ज़्यादा समस्या है बड़े बड़े महानगरों में, किंतु उसका भी हल हो रहा है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में रह करके भी श्रावकों का व्रत पल रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है। और आप लोग तो कहीं भी रह सकते हो, इसलिए थोड़ी सी आपको गर्मी तो लगेगी किंतु मैं इसके लिए पथ्य मानता हूँ और इसका आप अनुकरण करेंगे। एक के 10 व्यक्तियों को सुनने में आएगा, 10 व्यक्तियों से 100 को मिलने आएगा, हजारों व्यक्ति एक हफ्ते में इससे अवगत हो सकते हैं और वो अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। जिनवाणी के प्रति गौरवपूर्ण व्यवहार रखो। यदि कल और आ जाते हैं शांति के साथ बैठ करके कुछ बातें और सुना सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म।